ओ कालू सुनो यार, ये ट्रेजी दिखा के तेनु बहुत दिन से आया नहीं है। अरे हमको का पता भैया, पिछली बार नेदर जाते हुए देखे थे, वहां से मार खा के आए होंगे। ओए आ गया मैं। अरे भागो भाई, नहीं तो ये खुलेआम कपड़े निकाल देते हैं। ओ कके, तेरे तो भी सिर्फ कपड़े निकालता है, मेरा तो पूरा कबाब बना देता है ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं भाई अपना खुद का एक बहुत बड़ा स्लाइम फार्म, जो कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से चलते हैं भाई और अपना स्लाइम फार्म यहाँ पे बनाते हैं। पर कालू प्रॉम, मैं तो सुना कि ये फार्म ऐसे बनता नहीं है, इसके वास्ते कोई चंक वंक ढूंढना पड़ता है। भैया जी, बात तो आप एकदम पते की कर रहे हो, हम भी सुने ऐसे ही कुछ। ओ हेलो, दोनों भी ज्ञान थोड़ा से कम बांटो। मालूम है भाई, पहले ही जाके चंक हम ढूंढ के आए। तो भाई मेरे को पहले से पता था कि अपने वर्ल्ड के अंदर और भी ज्यादा होशियार लोग हैं, तो भाई इसीलिए मैं पहले ही जाके अपना एक स्लाइम चंक ढूंढ के आया। भैया जी, होशियारी का क्या बात है इसके अंदर, हम तो बस याद दिला रहे थे आपको। ठीक है भाई, याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी जल्दी से चलते हैं भाई अपने स्टोरेज एरिया के अंदर, और जितनी भी चीजें हमें लगने वाली वो सारी की सारी कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अपना फार्म भाई अंडरग्राउंड रहेगा, तो इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए चीजें नहीं लगने वाली। अपने को लगने वाला है बहुत सारा स्लैब, तो स्लैब अपना ऊपर पड़ा होगा यहाँ पे, देखने दो मेरे को। ओके ये देखो, यहाँ पे पड़ा है बहुत सारा स्लैब, तो ये स्लैब मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई ढेर सारा स्लैब और थोड़े से कोबाल्ट स्टोन भी यहाँ पे हमने उठा लिए। अभी हमें हॉपर और चेस्ट चाहिए, वो कहाँ पे होगा अपना, नहीं यहाँ पे तो बुक्स वुक्स पड़ी है। तो ये आ गए अपने हॉपर और ये आ गए अपनी चेस्ट, और हमें चाहिए भाई कैंप फायर। बट अपने को भाई नॉर्मल वाला कैंप फायर नहीं चाहिए, अपने को वो सोल सैंड वाला कैंप फायर चाहिए, जिसके अंदर से भाई ब्लू कलर की आग निकलती है। तो सोल के लिए अपने को ये वाली पेटी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भाई अभी हम जो नेदर से सामान लेके आए थे वो हमने यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे अपनी सोल सॉइल पड़ी हुई है। इसके बाद हमें चाहिए भाई वुड। वुड कहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे। हाँ ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे वुड लॉक्स पड़े हुए हैं। और अपने को स्टिक्स चाहिए, स्टिक्स तो हम बना लेंगे, बट हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने देखा था अपने पास स्टिक्स पड़ी हुई। तो अभी हम भाई अपने कैंप फायर बना लेते हैं। इसके लिए अपने को नीचे वुड रख देना है, बीच में रखने अपनी सोल सॉइल, और स्टिक्स को हमें रखना है यहाँ पे। ऑलराइट ये देखो 10 बन गए, और थोड़े से बनाते हैं। ऑलराइट तो अभी हम फुल रेडी है भाई अपना स्लाइम फार्म बनाने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ से हमें भाई चंक बॉर्डर्स को ऑन कर देना है। तो भाई ये वाला जो चंक है ये अपना स्लाइम चंक है, तो बिल्ड करने को अपने को निकालने अपने कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हमें भाई गड्ढा करते हुए नीचे जाना है Y24 लेवल तक, और उसके बाद हम अपना बिल्ड वहां पे स्टार्ट करेंगे। पूरा नीचे ही बिल्ड है अपना भाई, ऊपर कुछ भी काम हमें करना नहीं है। ऑलराइट तो आ चुके हम भाई Y24 लेवल पे। यहाँ से हमें भाई 28 ब्लॉक तक माइन करना है, मतलब नीचे से 5 ब्लॉक्स ऊपर तक हमें माइन करना है। ये 24 है, मतलब 25, 26, 27, 28 तक हमें माइन करना है, और जितना अपना पूरा चंक है उतना हमें पूरा माइन करना है भाई, सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरा चंक माइन करना है। तो जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमें माइन करना है, एक बार मैं पूरी ऐसी बॉर्डर बना लूं जिससे कि अपने को भाई बार बार ना देखना पड़े। ये देखो अभी हो चुका है पूरा क्लियर, और अभी अपने को पूरी बॉर्डर यहाँ पे बनानी है यार। सबसे पहले हम भाई जितनी अपनी बॉर्डर है वो बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपनी बॉर्डर की लाइन दिख रही है अपने को, मतलब इतना ही अपना चंक है, और ये पूरा स्क्वायर हमें निकालना है। ओके तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपनी बॉर्डर एंड हो चुकी है, और ये अपना लास्ट ब्लॉक है, ये हमने थोड़ा सा ज्यादा काट दिया। यहाँ से हमें भी लेफ्ट में टर्न लेना है, और इसके बाद हमें वापस से जाना है आगे की बॉर्डर तक, और पूरा स्क्वायर अपना यहाँ पे फिर हो जाएगा। उसके बाद हम बीच के सारे ब्लॉक हटा देंगे भाई। तो भाई पूरे चंक के साइड से हमने बॉर्डर तो यहाँ पे बना ली, तो बीच में भी जितने भी स्टोन्स है वो सारे हमें हटाने हैं, और उसके बाद अपना पूरा चंक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं भाई अपना काम स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो पूरे 20 मिनट की मेहनत के बाद हमने पूरा चंक यहाँ पे निकाल दिया है भाई, और नीचे आप लोग देख ही सकते हैं और कितने सारे स्टोन इकट्ठा हो गया। और मैं भी भाई घर से क्यों स्टोन लेके आया था वही नहीं मेरे को समझ में आया। तो अभी भाई तोड़फोड़ का काम खत्म नहीं हुआ है, हमें भाई अपनी जो चंक बॉर्डर है इसके भाई और दो ब्लॉक्स पीछे तोड़ना है, मतलब सभी साइड से और दो दो ब्लॉक्स हमें निकालने हैं। तो निकालते हैं भाई, चलो ये एक दो। ऑलराइट ये हो गया, और इसको पूरा ऊपर तक हमें निकालना है यहाँ तक। तो गाइस ये भी काम कंप्लीट हो गया, हर साइड से हमने दो दो ब्लॉक्स और बढ़ा दिए। अभी एक और चेंज हमें यहाँ पे करना है भाई, हमें भाई डबल प्लेटफॉर्म वाला स्लाइम फार्म बनाना है, जिसके अंदर ज्यादा स्लाइम स्पॉन होगी और अपने को ज्यादा स्लाइम्स मिलेंगी। तो इसीलिए हमें भाई पूरा चंक हमें और दो ब्लॉक्स नीचे लेके जाना है। तो चलते हैं भाई जल्दी से। ओके तो गाइस दो ब्लॉक चंक को हमने वापस से नीचे खींच दिया है भाई। तो अभी हमें इस चंक के मिडल में बनाना है भाई 4x4 का स्क्वायर, जो कि अपना किलिंग चैम्बर होने वाला है। तो स्क्वायर को मिडल में लाने के लिए हमें हर चंक बॉर्डर से 6 ब्लॉक का डिस्टेंस लेना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मिडल में आ जाएगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो ये देखो हमने मिडल का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया भाई, 4x4 का स्क्वायर हमें बना है। और ये देखो इस बॉर्डर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स का यहाँ पे डिस्टेंस है हर साइड से। तो अभी हमें बनाना है भाई सेकंड वाला प्लेटफॉर्म, जिसके लिए अपने को जाना है 4 ब्लॉक्स ऊपर, और 4 ब्लॉक ऊपर आने के बाद हमें निकाल लेने भाई स्लैब्स, और स्लैब्स को लगाना है यहाँ पे, ये देखो। और इसके बाद ये पूरे ब्लॉक से हटा देंगे, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये हमने टेम्पररी लगाया था। ओके तो यहाँ पे हमें भाई स्लैब का प्लेटफॉर्म बनाना है 3-3 ब्लॉक का हर साइड से, मतलब यहाँ से हमें 3 स्लैब्स लगाने ऐसे, ये देखो इस साइड में 3 स्लैब ऐसी पूरी लाइन, और इस साइड में भी 3 स्लैब। तो ऐसे करके हमें भाई चंक के चारों साइड से 3-3 स्लैब्स का प्लेटफॉर्म बनाना है, जो कि अपना सेकंड प्लेटफॉर्म होगा, और
उसके ऊपर भी अपने स्लाइम स्पॉन होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ये सारे के सारे स्लैब्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ओके तो भाई चारों साइड से यहाँ पे स्लैब भी लग चुके हैं, अभी हमें इसका मिडल ढूंढना है भाई। ओके तो इन स्लैब्स का भाई कोई भी मिडल नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे हमने भाई इवन नंबर्स में काम किया है सारा का सारा। तो अपने कोई भी एक साइड लेना है और यहाँ से हमें जाना है भाई सिक्स ब्लॉक आगे। सिक्स ब्लॉक्स आगे जाने के बाद हमें लेने हैं भाई अपने ट्रैप डोर और ट्रैप डोर को हमें यहाँ पे लगा देना। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला इसका मिडल नहीं आएगा तो ये चीज भी मिडल में नहीं आएगी, तो इसके साइड में भी हमें दो ट्रैप डोर और लगा देने और हो गया भाई आपका काम। इसके बाद हमें जाना है ट्रैप डोर के ऊपर और इसके बाद हमें इस ट्रैप डोर के कॉर्नर में जाना है और यहाँ से देखना है सीधा ऊपर और इसके साइड में जो दो ब्लॉक है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रैप डोर हमें लगा देने। सेम इसके अपोजिट साइड में भी करना है और इस ट्रैप डोर के ऊपर जो ब्लॉक है इसके साइड में और ये वाले साइड में ये वाला ट्रैप डोर हमें हटा देना है, ये वाला फिलहाल के लिए, बाद में हमें लगाना है इसको बट फिलहाल के लिए हमें इसको हटा देना है। और यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी खतरनाक चीज अभी करनी है जिसके लिए हमें पंपकिन और आयन ब्लॉक के ऊपर लेके आना है, उसके बाद अपना ट्रैप डोर भी हम ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमें बनाना है भाई एक आयन गोलम, थोड़ा सा डर के ही काम करना है क्योंकि गलती थोड़ी सी हो गई तो अपने को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसको ऐसा थोड़ा सा आगे धक्का दे के हमें यहाँ पे इसको ट्रैप डोर के अंदर ला देना है। ऑल राइट अभी यहाँ से बाहर ना निकल पाए ऐसा मेरे को लगता है, निकले नहीं निकलेगा ना भाई। ओके तो नहीं गिर सकता भाई, हमने ये फालतू में लगाया नहीं गिरेगा ये चमन गोटू, मतलब ऑलमोस्ट अपना फार्म अभी बनते बनते ही है भाई। सिर्फ यहाँ पे अभी अपने को ये किलिंग सिस्टम बनाना है जिसके लिए अपने को तीन ब्लॉक्स नीचे और खोदना है, मतलब खोदने का ही काम ज्यादा हो गया भाई, इसके अंदर बिल्ड करने का कुछ नहीं है ये देखो। तो भाई आप सभी को पता है इसके आगे किलिंग चेंबर के अंदर होता गया, हमें हॉपर्स और चेस्ट लगानी है भाई बहुत सारी जिसके अंदर सारा अपना माल इकट्ठा होगा, माल मतलब अपनी स्लाइम्स वगैरह। ओके तो यहाँ से हम जाएंगे और दो ब्लॉक्स नीचे और इसको थोड़ा आगे तक हम माइन कर लेते हैं भाई। बेसिकली ये अपने बाहर निकलने की जगह होगी और ये आगे अपनी चंक बॉटल है, इससे थोड़ा और बाहर जाते हैं हम लोग और ये देखो हम आगे ऊपर और इसको अभी हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, बाद में हम यार ये सारी चीजें चेंज कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ सिर्फ, ये एक चेस्ट हमने रख दी ऐसे ही, इसके ऊपर हमें और दो चेस्ट रखनी है यहाँ पे। और अभी आता है भाई हॉपर्स का काम, तो यहाँ पे हमें तीनों हॉपर्स यहाँ पे ज्वाइन कर देने हैं और इस वाले हॉपर को हमें पूरे इसके अंदर घुमा देना जिससे कि जिधर भी सामान आएगा वो सारा इकट्ठा होगा इसके अंदर, ये देखो ऐसे करके। ऑल राइट तो अपना हॉपर सिस्टम तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई जिसके बाद ही सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा होगी, वरना इकट्ठा ही नहीं होगी, मारेगी नहीं स्लाइम को तो कैसे इकट्ठा होगी भाई। तो यहाँ पे हमें लगा देने भाई सारे के सारे कैंप फायर्स इसके ऊपर, एकदम सही से हमने अपना काम तो यहाँ पे कर दिया बट अपने को अभी डैमेज भी मिल रहा है, तो सट को यहाँ से जल्दी से। ओ भाई ये क्या आग रहे हम लोग, हेल्थ देखो मेरी, हम तो हल्के में ले रहे थे यार। तो यहाँ पे मैं गड्ढा करता हूँ और जो अपनी टनल है, हाँ ये देखो टनल को हम ज्वाइंट हो गए, टनल को हम बाहर से एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे जा रही है, थोड़ा सा दूर चलते हैं। और ओके तो भाई टनल का जो भी बचा हुआ काम है वो तो हम बाद में कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, अभी जो मेन अपना फार्म है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ से हम आए थे और जो रास्ता था वो भी हमने थोड़ा बहुत बना लिया है भाई, अभी थोड़ा ही काम बाकी है। ऑल राइट गाइस तो इतनी चीजें थी भाई अपने स्लाइम फार्म के अंदर, अभी हमें भाई एएफके जाना पड़ेगा या फिर थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा तभी अपना फार्म यहाँ पे वर्क करेगा भाई। और सबसे पहले भाई ये सारी टॉर्चेस वॉर्चेस यहाँ से निकालो और अपने को यहाँ से निकलना भी पड़ेगा तभी अपना काम बनेगा। ओके तो सारे टॉर्चेस वगैरह तो यहाँ से हट चुके हैं, अभी टाइम है भाई यहाँ से निकल लेने का। तो यहाँ से अपन करेंगे नीचे डिग और ये वाला जो ब्लॉक हमने खोला था वो भी हमने यहाँ पे बंद कर दिया, अभी निकलते हैं भाई सीधा घर के लिए, घर पे जाने का रास्ता भी अभी बनाना बाकी है भाई। ओके तो गाइस आ चुके हैं हम घर पे और फाइनली अपना स्लाइम फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है भाई, बट यार अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो वर्क करता है कि नहीं, तो इसके लिए हमें यार थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा या फिर अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सही में अपना फार्म वर्क करता है या नहीं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।